नमस्कार, आरएस क्रिकेट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दो विषय पर बात करने वाले हैं। पहला, कोविड का साया मंडरा रहा है टीम इंडिया पर, और दूसरा, टीम इंडिया को नहीं मिला कमरा। तो पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। बर्मिंगम रवाना होने से पहले टीम इंडिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। जब टीम इंडिया के खिलाड़ी एस मेघना और पूजा वस्त्राकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन एस मेघना की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और वह बर्मिंगम में टीम इंडिया के बाकी के खिलाड़ियों के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं पूजा अभी भी बेंगलुरु में क्वारंटाइन में है, तो यह एक दुखद खबर है टीम इंडिया के लिए। दूसरे विषय की तरफ बात करें तो भारतीय महिला टीम को यहां खेल गांव में काफ़ी मुसीबतों का सामना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिला क्रिकेट के खिलाड़ियों को कमरा शेयर करना पड़ रहा है। वहीं खेल गांव में खाना नहीं मिल रहा है और सभी खिलाड़ियों को बाहर जाकर खाना खाना पड़ रहा है। एक सूत्रों से पता चल रहा है कि खिलाड़ियों ने IOA के सामने अलग अलग कमरों की बात रखी है, क्योंकि अभी सभी को अपने कमरे शेयर करने पड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा क्यों किया जा रहा है फिलहाल इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें जिस तरह की सुविधा दी जा रही है वो उसी में रह रहे हैं। क्या कॉमनवेल्थ को ऐसा टीम इंडिया के साथ करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।